सभी साथियों को नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए आज मैं लेकर आया हूं 11 भविष्यवाणियां जो जुलाई और अगस्त के महीने से लेकर के नवंबर तक हर हाल में होगी, जिसमें कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं शनि को लेकर के जो नवंबर तक जिसका है जो फलीभूत होगी, लेकिन जून और जुलाई में जो आपके साथ जो चीज होने वाली है, खास करके वृषभ राशि में राहु और शनि का जो फल आपको मिलने वाला है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले जो मैं बतला दूं कि आपका जो चंद्र का जो राशि है वो 2 नंबर है, वृषभ राशि है, और उसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, और शनि का राहु भी मित्र है, यानी कि शनि राहु और शुक्र तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ राहु का जो गोचर हो रहा है वो शनि के नक्षत्र में होने जा रहा है। शनि के नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो और ज्यादा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में जब कोई प्लेनेट जाता है तो वो ज्यादा बलवान होता है, और जब बलवान होगा और वो आपके लिए अच्छा होगा तो वो आपको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। तो पहली जो भविष्यवाणी मैं बतला रहा हूं वृषभ राशि वालों के लिए, वो है शनि देव के लिए। शनि देव अभी आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव में ऑलरेडी वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। पंच महापुरुष योग बनाते हुए शनि और ज्यादा बलवान हो गए हैं वक्री होकर के। शनि देव वक्री हैं, पंच महापुरुष योग में हैं, और जिस भाव के अंदर रहते हैं उस भाव को शुभता प्रदान करते हैं। तो 10th हाउस जो होगा वो आपका जॉब का है, रिजल्ट का है, तो इन सब चीजों से जॉब और रिजल्ट इन दोनों में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ा जो फायदा वो होता है जब कभी वक्री ग्रह की दशा या अंतर दशा आती है, और आपकी कुंडली में भी वक्री ग्रह की दशा आ जाए, या फिर यानी कि आपकी कुंडली में भी जन्मकालीन शनि वक्री हो और उसकी दशा आ रही हो, तो उन जातकों के लिए निश्चित रूप से 29 जून से 15 नवंबर के बीच कोई ऐसा काम आपका होगा नौकरी से संबंधित जिसको आप अभी आपके दिमाग में नहीं था, यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, अप्रत्याशित होगा। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सुफलदायक होता है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी देते हैं कभी कभी उनको अचानक रिजल्ट आता है, तो ये परिस्थिति बन रही है 29 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में कभी भी। तो शनि को लेकर के आप निश्चिंत रहें, वक्री शनि आपके लिए नौकरी, आपका रिजल्ट, आप जहां पे कार्य करते हैं वहां पर आपको निश्चित रूप से फायदा देंगे। दूसरा वही शनि तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में दे रहे हैं, तो ये द्वादश भाव जो होता है वो आपका खर्च का होता है, तो ये खर्च अधिक करवाएंगे। और अभी मंगल देव वहां पर में है, तो मंगल देव जो है वो आपके मार्केस हैं, 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। 7वां घर जो होता है वो 8वें घर से 12वां घर होता है, यानी कि 8वां घर जो होता है वो आयु का होता है, और उससे 12वां उसका व्यय हुआ, यानी कि मंगल जो है वो आपका प्रबल मार्केस है। तो मार्केस पर जब शनि की तीसरी दृष्टि अभी 16 जुलाई तक पड़ रही है, तो आपको स्वास्थ्य प्रतिकूलता होने की संभावना है, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा और हनुमान जी की आराधना करनी होगी। तीसरा, जमीन संबंधित विवाद बढ़ा सकता है, एंजाइटी बढ़ा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके सिंह राशि पे पड़ रही है, और वो 4था भाव जो होता है वो जमीन जायदाद का होता है, माता का होता है, आपका ट्रांसफर भी करवा सकता है। ट्रांसफर अगर होगा तो 16 जुलाई के बाद जब मंगल देव आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो शनि और मंगल की जब सम्मिलित दृष्टि 4थे भाव पर में पड़ेगी, 4थे भाव पर जब पाप का प्रभाव बढ़ता है तो ट्रांसफर का योग बनता है, तो ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, अच्छा ट्रांसफर करवाएंगे 15 जुलाई के बाद। माता का स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल रह सकता है, इसके लिए तो बस सावधानी ही बेहतर है, आप थोड़ा सा सावधान रहें। अचानक धन लाभ करवाएंगे राहु, कैसे करवाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि राहु का अपना कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, अपना कुछ भी नहीं होता, वो जिस राशि में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं,
उसके अनुसार फल देने लगते हैं। तो राहु आपके एकादश भाव में है, बृहस्पति के घर में है, और साथ ही साथ राहु अब शनि देव के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि मित्र के नक्षत्र में। मित्र के नक्षत्र में जाकर के एकादश भाव का राहु, वैसे भी मेरे पुराने वीडियो आप देख ले, उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि 3, 6, 11 का जो राहु होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक होते हैं। तो 11वें भाव का राहु आय के स्रोत को बढ़ाएंगे, अनएक्सपेक्टेड धन, अप्रत्याशित धन, जिस भी तरीके से आपको अभी तक अगर आप कमा रहे थे म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से, या और भी बहुत तरह के तरीके होते हैं, तो उनमें आपको निश्चित रूप से ये राहु आपको फायदा देंगे, और अभी लंबे समय तक ये फायदा देते रहेंगे। बस सावधान आपको रहना है शनि देव की तीसरी दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पर है, कि आपका जो धन आता है उसका कैसे सदुपयोग आपको करना है, ये आप जान रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उस आए हुए धन का सदुपयोग नहीं किया तो वो धन शनि देव की तीसरी दृष्टि के द्वारा वो धन अपव्यय में भी जा सकता है, आय के अच्छे स्रोत बढ़ेंगे। अब आती है बात विवाह और संतान की। तो मित्रों, बृहस्पति अभी आपके लग्न में है, हालांकि लग्न का बृहस्पति बहुत अच्छा शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है वो संतान भाव पे पड़ रही है। तो राहु और बृहस्पति की सम्मिलित दृष्टि जब आपके संतान भाव पे पड़ती है, और राहु बृहस्पति के घर का है, यानी कि राहु के अंदर बृहस्पति का गुण आ गया, तो बृहस्पति और राहु मिलकर के जब आपके पंचम भाव, आपके संतान के भाव को देख रहे हैं, तो राहु के अंदर आकस्मिकता है, तो आकस्मिकता और साथ ही साथ आपका राहु शुभ है, तो बच्चों के कैरियर के लिए कुछ आकस्मिक, कुछ अच्छा संयोग बनेगा, कुछ ऐसा संयोग बनेगा जिससे कि आपको प्रसन्नता आएगी, और बच्चों की तरफ से आप प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और राहु दोनों पंचम भाव को प्रभावित किए हुए हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव पर। मित्रों, 16 जुलाई से जब मंगल देव चले जाएंगे आपके लग्न में, वृषभ राशि में, और बृहस्पति और मंगल की युति बनेगी, तो दोनों मिलकर के जो सातवां भाव जो होता है वो वृश्चिक राशि का है, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल सप्तमेश हैं आपके, तो जब सप्तम भाव पर में सप्तमेश की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति जो दाम्पत्य का कारक है, विवाह का कारक है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से विवाह और अफेयर योग में आपको सफलता मिलेगी। किसी न किसी प्रकार से जो विवाह का जो पुराना जिसका नहीं हो रहा था उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शनि देव की भी दसवीं दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें भी शनि देव विवाह से संबंधित डिले का योग तो बनाए हुए हैं, लेकिन बृहस्पति और मंगल की जो दृष्टि है और राहु की दृष्टि भी उसमें फायदा ही पहुंचाएगी, क्योंकि राहु अभी शुभ फल देने वाले हैं। संतान की अभ्युन्नति होगी और संतान के कैरियर से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की और राहु की सम्मिलित दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। इसके बाद एक अच्छा संयोग जो बना हुआ है वो त्रिग्रही योग का है। सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ जुलाई के महीने में तीसरे भाव में रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा योग बन रहा है जिसमें केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बन रही है। बुध और शुक्र केंद्रेश और त्रिकोणेश, सूर्य और बुध केंद्रेश और त्रिकोणेश, तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि वक्री शनि के प्रभाव से आपको अनएक्सपेक्टेड जो आपने एग्जाम कभी दिया था, हो सकता है कि उसका दिमाग पर से उतर गया होगा, रिजल्ट लेट हो गया था, तो उसका रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस जुलाई और अगस्त के महीने में इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, और परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपकी लग्नकालीन कुंडली में भी कम से कम केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक हैं उनकी दशा या अंतर दशा चल रही हो। मित्रों, इस तरीके से जो मैंने एकदम से एग्जैक्ट जो निकाल करके बताया, ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी हो, और हर किसी को यह रहता है कि ज़्यादा जो सीधा टू द पॉइंट देखने की, टू द पॉइंट सुनने की सबको इच्छा रहती है, समय का सबको अभाव रहता है। तो वृषभ राशि के बारे में जो मैंने डिटेल से बतलाया, इसमें निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें होंगी, और
कुछ आगे पीछे जो होता है उसके पीछे का भी मैं बतला देता हूं, क्योंकि लग्न कालीन आपकी कुंडली में प्लैनेट की स्थिति कैसी है इस पर भी डिपेंड करती है। अगर लग्न कालीन कुंडली में अगर प्लैनेट कमजोर है या फिर दशा अंतर दशा अभी आपके खराब ग्रहों की चल रही है तो फलों में कमी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन जो होता है वो दबाने का प्रयास करें ताकि जो भी मेरी वीडियो मैं डालता हूँ वो वीडियो आप तक पहुँचे। और मेरी ये कोशिश यही रहती है कि जो भी हो प्योरली मैथमेटिकल एनालिसिस करके आपको बतलाऊँ, प्रिडिक्शन भी बतलाऊँ और वो चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बतलाऊँ, क्योंकि मैं जब भी कुंडली किसी की बनाता हूँ तो केवल फलित नहीं करता, ये चीज़ इसलिए होती है, ये चीज़ इसकी वजह से हो रही है और कब तक होगी ये सारी बातें बतलाता हूँ। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।